खबरी कहाँ है? अंडे आपके लिए खबर लाया था। छपरी कहीं एक रूम ही ना तेरे को। रोज अच्छे नहीं लगते हैं। नहीं। तुम हमको अगली खबर बताओ। अंडे खपरी नाम है मेरा, खपर सबकी रखती हूँ। देनी चट देनी मार देली खींच के तमाचे। तो चिंटवा तो गा तो रहे हैं, अभी बोलते हो रोज रोज ही गाना बोलते हो, कछु दूसरा गाना बोलो तो गाएंगे ना। नमस्कार नमस्कार दर्शक लोग, कैसन हो, सुंदर लग रहे हैं ना हम? हमको पता है आपने तारीफ का, आपने बोला ना, देखो हमको पता चल गया है कि आप वहाँ तारीफ कर रहे हैं। हाँ हमको पता है, हम है ही तारीफ लायक। उधर हमारे घर वाले काहे तो झगड़ रहे हैं, मोहल्ले वाले, ससुर जी, वो सुशीला, वो छोटी राजस्थान से वो पिद्दी बच्ची आई है ना, वो सब मिल के पता नहीं का तो का कर रहे हैं। और हम भी आपको खबर दे रहे, तो हमको भी कर दिया है कंफ्यूज। तो अब पता है आपको हम किसकी खबर लाए हैं? अपनी प्रेरणा की, वो कसौटी जिंदगी में वो पहली वाली प्रेरणा जी नहीं थी, श्वेता तिवारी जी की, वो की खबर लाए हैं। चलिए फट से दिखाते हैं आपको। एक्टर श्वेता तिवारी का कहना है कि आपकी बॉडी हमेशा फिट नहीं रहेगी, आपको इस पर हर दिन काम करना होगा। बता दें कि वह हमेशा से ही फिट रही हैं, लेकिन हाल ही में एक्ट्रेस श्वेता तिवारी सोशल मीडिया पर अपनी रिप्ड बॉडी फ्लॉन्ट कर रही हैं। बता दें कि श्वेता तिवारी ने कहा, तारीफ सुनना अच्छा लगता है, लेकिन मैं हर दिन उन तस्वीरों में वैसी नहीं दिखती हूँ जैसी हर तस्वीर में दिखती हूँ। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोगों को ये जानने की जरूरत है कि यह सिर्फ एक फिट बॉडी नहीं है, बल्कि लाइट्स, कैमरा एंगल और पोज भी है, जो आपको तस्वीरों में एक निश्चित तरीके से देखने में आपकी मदद करते हैं। सच तो ये है कि मेरे एब्स 2 दिनों के लिए परिभाषित हैं और मैं अगले 4 दिनों तक फुली हुई हूँ। साथ ही उन्होंने कहा कि आपका शरीर हमेशा फिट नहीं रहेगा, इसे हर दिन काम करने की जरूरत है। लोग 2 महीने में रिप बॉडी पाना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। डेली वर्कआउट्स आपको रिजल्ट देगा। वेट ट्रेनिंग और कार्डियो के अलावा ऐसे दिन होते हैं जब श्वेता वर्कआउट के लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल पाती है, लेकिन उनके पास उस समय के लिए भी फिक्स है। वह विस्तार से बताती हैं कि महामारी के दौरान हम सभी को फिटनेस और फिट रहने की इम्पोर्टेंस का एहसास हुआ। जब हम घर पर होते हैं तब भी हमें चलते रहना चाहिए। मैं कुछ ना कुछ करती हूँ, चाहे वह जॉगिंग हो, पैदल चलना हो या स्किपिंग करना हो। आपको हर दिन अपने शरीर को हिलाना चाहिए। मेरे लिए फिटनेस सिर्फ एब्स नहीं बल्कि संपूर्ण हेल्थ है। बॉडी हमेशा फिट नहीं रहती। अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सांस ना छोड़ें या चलते चलते थक जाएं, तो आप फिट हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने अपने 20 या 30 के दशक में कसरत नहीं की थी। अच्छे परिणामों ने उन्हें प्रेरित किया और उनके डाइटिशियन ने उन्हें ट्रैक पर रहने में मदद की। साथ ही उनसे पूछा गया कि क्या वह आज जैसे दिखाई देती है उससे खुश है, तो वह जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल निश्चित रूप से। मैं कई बार वजन बढ़ाती हूँ, इस पर मेहनत करती हूँ, कई बार डाइट रेस्ट्रिक्शन से थक जाती हूँ और जो कुछ भी खाने का मन करता है उसे खाना चाहती हूँ। पिछले साल जब मैं अस्वस्थ थी, मैंने जो चाहा वह खा लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं फिट होना चाहती थी। मैं एक व्यक्ति के रूप में बदल गई हूँ और मैं अपने आहार से ज्यादा भटकना नहीं चाहती हूँ। तो देखा आपने दर्शकों, श्वेता तिवारी ने बताया कि फिट रहना आज के युग में कितना जरूरी है। देख रहे हो ससुर जी, अब तो श्वेता जी भी बोल दी है फिट रहना कितना जरूरी है, कसरत करना कितना जरूरी है। नहीं ना करते हैं, देखा दर्शकों कितना जरूरी है हेल्दी रहना, हेल्दी खाना खाना, ना कि पकोड़े वकोड़े कभी कभी ठीक है, रोज खाने हैं इनको लड्डू पकोड़े, न जाने का हम तो नाम भी भूल जाते हैं। तो कितना जरूरी है दर्शक लोग, कुछ गलत कहे आप ही बताओ, कुछ गलत कहे हैं? नहीं ना कहे हैं। अब थोड़ा और ज्ञान देना पड़ेगा हमारे ससुर जी को, हमको लगता है श्वेता बिटिया से ना, ओ श्वेता बिटिया तनिक हमारे ससुर जी से तनिक बात करो। हम पानी की बोतल काहे गिरा रहे हो चिंटू के पापा? हम बोल रहे हैं कि श्वेता बिटिया हमारे ससुर जी को तनिक समझाओ, ऐसे पूरे दिन लड्डू बिडून, ठीक है डिराई फिरूट लड्डू बनाए हैं हम, ठीक है एक खाइए दो खाइए इतना ज्यादा खा लेते हैं, वो भी अच्छी बात नहीं है ना, तनिक समझाइएगा। नहीं ना सही बात कर रहे हैं, और लड्डू का दिखा रहे हैं हमको, फिर से लड्डू दिखा रहे हैं। अब चलते हैं दर्शक लोग, हम अगली खबर लेके आते हैं आपके लिए। जय राम जी की।